यंग अचीवर न्यूज की तरफ से सभी देशवासियों को नववर्ष की शुभकामना देना चाहता हूं। मूलतः नववर्ष 18 मार्च को है, लेकिन कुछ अंग्रेजी संस्कृति के द्वारा प्रचारित 1 जनवरी को नववर्ष का इतना ज्यादा महिमा मंडन और इतना प्रचार किया गया कि आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारी भारतीय संस्कृति हमारे मूल नववर्ष को भूल गई। ब्रह्मा जी ने इस नववर्ष के दिन ही सृष्टि का निर्माण किया था। आज ही के दिन भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। आज ही के दिन महर्षि गौतम का जन्म हुआ। आज ही के दिन आर्य समाज की स्थापना हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेडगवर जी का जन्म भी आज ही के दिन है। राजस्थान दिवस भी आज ही के दिन है। इतने सारे कारण, इतने सारे अवसर हैं नववर्ष के, फिर भी न जाने क्यों गलत प्रचार से 1 जनवरी को लोग बड़े धूमधाम से नववर्ष मनाते हैं। 15 दिन पहले से शुभकामना देने का तांता लग जाता है, आतिशबाजी करते हैं, होटल में न जाने क्या क्या पार्टियाँ करते हैं, लेकिन जो हमारा मूल नववर्ष है, नव संवत वर्ष 2075, को लोग भूल जाते हैं। मैं हमारी आने वाली पीढ़ी हिंदू युवाओं से इस बात का आग्रह करता हूं, आह्वान करता हूं कि इस अवसर को अधिक से अधिक प्रचारित करें और हम बताएं कि हमारा मूल नववर्ष ये है। क्योंकि अब किसान बड़े खुश होते हैं, उनकी फसल कटती है, गेहूं कटते हैं, अनेकों कारण हैं जो इस नववर्ष को मनाने के पीछे लॉजिकल है, लेकिन न जाने क्यों हम भ्रमित हैं। हम सभी को इस बात का आग्रह करेंगे कि अपने घर पर भगवान ध्वज लगाएं, भगवान तिलक लगाएं, अपने घर पर 5 दीपक घी के लगाएं और सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दें। प्रभात फेरी निकालें, मंदिर पर जाएं, एक सामूहिक आरती करें, सामूहिक भगवान रैली का आयोजन करें और तमाम लोगों को, एक एक व्यक्ति को इस बात से अवगत कराएं कि नववर्ष, भारतीय नववर्ष ये है और इसको मनाने के पीछे अनेक कारण हैं। हम यदि 10 व्यक्तियों को भी इस बात की जानकारी देने में यदि सफल होते हैं तो निश्चित रूप से आने वाला समय, आने वाली पीढ़ी, नववर्ष जो 18 मार्च को है, महामाई माँ दुर्गा का जन्मदिन उसी दिन से मनाया जाता है, नवरात्र की स्थापना हम इसी दिन से मनाते हैं। सभी को मैं इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप सभी से आग्रह करता हूँ कि नववर्ष की शुभकामनाएँ अधिक से अधिक लोगों को प्रेषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। वंदे मातरम।